हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। कह रहा है सिंपलीफाई इज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ना, इन्हें सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन राइट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन राइट करेंगे, फिर हम सोचेंगे करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमको क्या राइट करना है, सॉल्यूशन राइट करना है। सॉल्यूशन राइट करने के बाद फर्स्ट वाला राइट करते हैं हम लोग, क्या है 3+√3 और 2+√2। ये क्वेश्चन है। ये बताइए क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं पर अगर a+b और c+d हुआ करता था तो हम क्या करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड ब्रैकेट और प्लस फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाता था और माइनस रहता था तो माइनस हो जाता था, और फिर जो सेकंड टर्म होता था सेकंड टर्म ब्रैकेट के बाहर और सेकंड ब्रैकेट, यही तो होता था। फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता था, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, वही करना है यहाँ पर भी। चलिए चलते देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड ब्रैकेट 2+√2, फिर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म बाहर और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा, हो गया। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, मींस 3×2 और प्लस 3×√2 और प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई, यानी √3×2 और प्लस √3×√2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3×2 = 6 प्लस 3√2 और प्लस 2√3 प्लस रूट, ये भी अंडर रूट में है ये भी रूट में है, तो 3×2 = 6। तो क्या हो जाएगा, 6+√2 प्लस 2√3 प्लस अंडर रूट 6। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसके सेकेंड पार्ट भी बहुत इजी है, देखिए क्या है, 3+√3 और 3-√3। एक और हम लोगों ने एट में पढ़ा था कि अगर कहीं पर a-b है और a+b है, मींस a+b और a-b या a-b और a+b, दोनों में से एक है, ठीक है। कहीं पर अगर एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो माइनस वाले का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी a² माइनस से माइनस हो जाएगा b², ये हो जाता है। और यहां पर भी देख रहे हैं थ्री इसमें भी √3 √3, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस, दोनों ब्रैकेट में सेम है, केवल यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस, एक बार प्लस है एक बार माइनस, मीन्स माइनस वाले का दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मीन्स 3×3 = 9 माइनस, अगर हम √3×√3 यानी √3 का स्क्वायर है ना, इसको 2 times लिख सकते हैं। और कहीं पर अगर √3×√3 होता है क्या हो जाता है वहां पर 3, या कभी भी √3 का स्क्वायर है तो जान लीजिए उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। मान लीजिए √4 का स्क्वायर है तो वहां पर क्या हो जाएगा 4, अगर √5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो 9 में से 3 माइनस करिए 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, पार्ट है √5+√2 का होल स्क्वायर। कहीं पर अगर a+b का होल स्क्वायर होता था, एट में पढ़े होंगे आप लोग, कहीं पर a+b का होल स्क्वायर होता था क्या हो जाता था, a² + 2ab + b², है ना, a² + 2ab + b² a का मतलब हम समझ लेंगे, ये a है, जहां पर a राइट किया गया होगा वहां √5 समझिएगा, जहां पर b राइट किया गया है वहां √2। तो a का स्क्वायर मीन्स किसका, √5 का स्क्वायर प्लस 2×a मीन्स कितना, √5 × b मीन्स
टू प्लस बी का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया था कहीं पर अंडर रूट फाइव है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, प्लस टू अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट टू, फाइव टू जा टेन, प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर मीन्स टू क्या हो जाएगा, फाइव टू सेवन, प्लस टू रूट टेन, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फोर, ये है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, और यहाँ है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, याद आ रहा है अभी मैंने जस्ट यही क्वेश्चन बताया ऐसे, केवल वहां पे थ्री प्लस अंडर रूट थ्री था, यहाँ थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, यहाँ पे अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो कहीं पर अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है तो क्या हो जाता है, माइनस वाले का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो चलेंगे देखिए, ए अंडर रूट फाइव अंडर रूट फाइव अंडर रूट टू अंडर रूट टू, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस वाले का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस है माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा फाइव, माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा टू, तो फाइव माइनस टू करिए थ्री, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को